स्पेशल ओलंपिक के लिए 412 दिव्यांग बच्चों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए पार्टिसिपेट किया। कैबिनेट मंत्री ने बढ़ाया उत्साह। स्पेशल ओलंपिक भारत की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। गढ़वाल रीजन के दिव्यांग बच्चों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ऋषिकेश ज्योति स्कूल में ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री ने कहा, जल्द ही दिव्यांगों के लिए नई शिक्षा नीति की व्यवस्था की जा रही है, जिससे उन्हें पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो। नवभारत समाचार ऋषिकेश से बसंत कश्यप की रिपोर्ट। सर, आज कार्यक्रम में आया, क्या कहना है इसका? देखिए, आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस है और पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में आज जो स्वास्थ्य दिवस है उसके अनुरूप बहुत कार्यक्रम हमने आयोजन किए हैं। आज मुख्यमंत्री जी हरिद्वार में, हम लोग यहाँ पे हैं, शाम को फिर देहरादून में, हर जिलों में कार्यक्रम है। लेकिन ये स्पेशल ओलंपिक भारत का आयोजन है, जिसमें कि दिव्यांगजन जितने बच्चे हैं इनका एक कार्यक्रम किया गया था और इस संस्था के माध्यम से आज हम यहाँ पे आए हैं। मैं संस्था के जितने भी आयोजक हैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने एक स्पेशल ओलंपिक भारत का आयोजन किया है। और मैं कह सकता हूँ कि इससे जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको एक नई ऊर्जा मिलने का अवसर मिला। दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यक्रम खास में कुछ घोषणा करेंगे आप बच्चों के लिए? देखिए, ये तो संस्था का प्रोग्राम है और उन्होंने हमको बुलाया है और मुझे लगता है कि कोई भी संस्था अगर अच्छा कार्यक्रम करती है तो निश्चित रूप से हम उसमें जरूर जाते हैं। शिक्षा नीति, शिक्षा नीति में दिव्यांगों के लिए कुछ योजना? देखिए, दिव्यांगों के लिए हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सारी बातें हैं और जैसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है लागू करने वाले अपने प्रदेश में, हम दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से भी एक नियमावली बनाने वाले हैं कि ताकि उन बच्चों को पठन पाठन में कोई दिक्कत ना। ये तमाम जो लोग हैं उनका यहाँ एक हेल्थ कैंप लग रहा है, उनकी हेल्थ की जानकारी, आज वैसे भी विश्व स्वास्थ्य दिवस है, उस नाते आज हमारा इन तमाम बच्चों का हेल्थ चेकअप भी होगा और इन सब के साथ माननीय मंत्री जी यहाँ आए हैं, हमारे संस्था के तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और पूरे देश भर में आयोजन हो रहा है और इसे उत्तराखंड के इस पावन धरती और ऋषिकेश में ये कार्यक्रम हो रहा है और हमारे आदरणीय डीवीएस रावत साहब जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इनकी जो भावना है, जो इनकी सोच है, वैसे तो इनकी सोच सबके प्रति बहुत अच्छी है लेकिन स्पेशल जनों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, मैं इनका साधुवाद कर रहा हूं और निश्चित रूप से क्या है स्पेशल ओलंपिक इंडिया, उस माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है, उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई प्रेषित कर रहा हूं और निश्चित रूप से आने वाले समय पे इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें ताकि इन बच्चों में ये भावना बनी रहे कि हमारे साथ भी कोई खड़े हैं। मैं इन बच्चों को भी बहुत भगवान से प्रार्थना करूँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और हमारे पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की सरकार भी काम कर रही है और हमारे संस्थाएं भी काम कर रही हैं, हम मिलजुल कर इनके लिए हम कुछ अच्छा कर सकें, ऐसा हम लोग आज सब लोग मिलकर इस काम की सोच बना रहे हैं।